पापा केटीएम। बाप की चप्पल घिसे खेत में कमाते कमाते, और बेटा देखो केटीएम के शौक पूरे कर रहा है। मनीष तो रुक जा, आदमी से जान से मार। बापू खाना खा लो। पापा मैंने कॉलेज में फॉर्म भरा था ना, तो लिस्ट में मेरा नाम आ गया। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। हॉस्टल और कॉलेज की फीस मिला के 3 लाख का खर्चा आएगा। 3 लाख? कोई बात नहीं बेटा, तू कॉलेज जा, दिल लगा कर पढ़। पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूँगा। तू अगर मन लगा के पढ़ लेगा और कुछ बन जाएगा तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी एक बाप के लिए। तू बस मन लगा के पढ़। लगे है पापा केटीएम में दिला देते, केटीएम में तो कोई और ही बाइक दिला देते। और वैसे भी आपने ही कहा था बारहवीं पास कर ले तो ये बाइक दिला दूंगा। बेटा इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, तेरे कॉलेज का फीस तो बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। पापा आप हमेशा ऐसे ही करते हो, जब भी मैं आपसे बाइक के लिए बोलता हूँ ना आप हमेशा यही बहाना बना देते हो। पर बेटा। पर कुछ नहीं, अगर मैं बाइक नहीं मिली ना तो मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा फिर। अरे बेटा सुन तो सही। पापा केटीएम किसकी? पापा ये बेटा तेरी है। पर पापा मैंने तो कहा था कोई भी गाड़ी दिला दो। पहली पसंद तो तेरी केटीएम ही थी ना बेटा, दूसरी बाइक कैसे ला सकता था मैं। आई लव यू पापा। अब तो खुश है ना बेटा? बहुत पापा। बेटा चला के नहीं दिखाएगा एक बार? न्यू केटीएम किसकी है? मेरी है भाई, पापा ने आज ही दिलाई है। बढ़िया भाई। विशाल देख रहा ना बाबाजी? देख तो रहा हूँ, बाप की चप्पल घिस गई खेत में कमाते कमाते, और बेटा देखो केटीएम के शौक पूरे कर रहा है। हाँ। रुक जा सोनू। मनीष तो रुक जा, आज मैं इसे जान से मार दूंगा, इसने मेरे बार बार उल्टा बोला कैसे। अबे भाई तू किस किस को मारेगा, आज ये बोल रहा है कल को ये और बोलेगा। और तेरे को पता केटीएम के पैसे कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए थे? तेरे पापा ने इसके बाप से पैसे उधार लिए थे, तेरी पढ़ाई के लिए और उनके सपने के लिए। और इसके बाप ने तेरे बाप से पता क्या कहा था? अरे श्यामलाल तुझे इतने सारे पैसे की जरूरत पड़ गई? लाला जी मेरा बेटा ना इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। वो जब वापस आएगा ना तो मैं आपका सारा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। पैसे तो ले जा, लेकिन एक बात याद रखियो, किसान का बेटा ना किसान ही बनता है, ना कि इंजीनियर। वो खेतों में हल चलाता हुआ अच्छा लगता है, ना कि कलम। सोनू जिन लोगों ने तेरे पापा की बेइज्जती की है ना उन्हें कुछ करके दिखा। भाई मैं कर भी क्या सकता हूँ। भाई तुझसे यही उम्मीद थी। बेटा पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखियो, खाना टाइम से ही खाइयो। ठीक है पापा। लाला जी आप यहाँ? तू तो हमारे पैसे देगा नहीं, हमें आना पड़ेगा लेने। लाला जी मेरा बेटा कुछ दिनों में आने वाला है, मैं आपका सारे पैसे वापस कर दूंगा। 3 साल बोल के ली थी,
आज 3 साल 5 महीने हो गए हैं। मूल तो छोड़, ब्याज तक नहीं मिला। बस 1 महीने तेरे पास, उसके बाद मेरे सारे पैसे ब्याज समेत वापस चाहिए। लाला जी, लाला जी, 1 महीने तो बहुत कम होते हैं। माना लाला जी, हमने आपसे पैसे लिए थे, पर इसका ये मतलब नहीं आप मेरे पापा की भी बेइज्जती करोगे। कितने पैसे है पापा इनके? 5 लाख। सुना, पूरे 5 लाख है। तू देगा मेरे पैसे? अरे ये क्या पैसे देगा सरकार, ये तो सारे पैसे अयासी में उड़ा के आ गया। इसमें आपके ना 3 साल का मूल और ब्याज दोनों है। और क्या कहा था लाला जी आपने, किसान का बेटा किसान बनता है? नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, इन तीनों ने ही ना इंडिया का नाम रोशन किया है। ये भी किसान के बेटे थे। और लाला जी खुद को देखो, तुम भी किसान के बेटे हो। चलो पिताजी। पल भी ना बैठा जेड़ा टेक मेरे लई, किन्ने एहसान मेरे सिर ते, सोच सोच अखों हंजू चो गया।